गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मॉर्बिड क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आज है 21 दिसंबर और आज के सेशन 21 दिसंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। भारतीय नौसेना में शामिल हुई पांचवी स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? कलवरी, खंडेरी, बागीर या करंज? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रेंड्स, ये जो बैठक है ना, ये दो साल बाद आयोजित की जाती है ना। तो जो 13वीं बैठक होगी, 13वां जो संस्करण होगा या 13वां जो सम्मेलन होगा मंत्री स्तरीय बैठक का, ये कहां पर होगा? संयुक्त अरब अमीरात में होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे पहले जो 12वां सम्मेलन हुआ या 12वीं जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई WTO की, ये कहां पर आयोजित की गई थी? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी फ्रेंड्स। वैसे ये जो बैठक है ना, 2020 में कजाकिस्तान में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोविड के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और ये 2021 में स्विट्जरलैंड यानी कि जिनेवा में आयोजित की गई थी। अब आपको याद रखना है कि जो 13वीं बैठक है ये संयुक्त अरब अमीरात में होगी। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी बैठक के बारे में। तो देखिए, मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला एक निकाय है। जो ये बैठक होती है दो साल में एक बार आयोजित होती है और फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, निर्णय लिए जाते हैं, है ना। इसकी बैठक आमतौर पर दो साल में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, होते हैं, ठीक है। यह विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को एक साथ लाता है और किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय भी लेता है, जो ये बैठक होती है। आगे डिस्कस कर लेते हैं WTO के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट आप सभी याद रखेंगे कि इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 1995 को शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते के स्थान पर की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। फ्रेंड्स, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दुनिया में नियम आधारित व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को सुलझाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। फुल फॉर्म आप सभी याद रखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे डिस्कस करेंगे कि इसका जो ये जो संगठन है WTO, इसका मुख्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसके सदस्य देश 164 हैं। वर्तमान में इसकी जो संगठन की प्रमुख है, इनका नाम है नागोजी ओंकोजो एवेला। और ये कहाँ की है फ्रेंड्स? तो ये नाइजीरिया की है। कहाँ की है? नाइजीरिया की है फ्रेंड्स, है ना। और WTO की पहली महिला महानिदेशक भी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है, तो आपको याद रखना है नागोजी ओंकोजो एवेला। और ये किस देश से है? तो ये नाइजीरिया से है। विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय की जो पहली बैठक हुई थी यानी कि जो पहला सम्मेलन हुआ था WTO का, ये कहां पर हुआ था? तो आपको याद रखना है सिंगापुर में इसे आयोजित किया गया था। अब डिस्कस कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैप में आप यहां पर देखेंगे संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला रोवर जिसका नाम है रासिद, ये रोवर फ्रेंड्स याद रखेंगे रासिद इसका नाम है, इसे किसने चंद्रमा पर भेजा था? संयुक्त अरब अमीरात ने। इसराइल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा को कहते हैं UAE दिरहम। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ऑर्डर ऑफ जायद संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, है ना।
बरा कहा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये संयुक्त अरब अमीरात में है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात से महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में खबरों में रही सैला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड जो सैला दर्रा सुरंग है ना, इसे बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर ये सुरंग बन रही है? अरुणाचल प्रदेश में ये सुरंग बन रही है। और इसे कौन बना रहा है? तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस सड़क का निर्माण कर रहे हैं ना। तो अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सैला दर्रा सुरंग का निर्माण किया जा रहा है फ्रेंड्स, है ना। कहाँ तक? तो चीन की सीमा तक हर मौसम में पहुंच के लिए, कनेक्टिविटी के लिए इसे बनाया जा रहा है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही इस सुरंग से भारतीय सेना को तवांग के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे हम LAC के नाम से जानते हैं, वहां तक भारतीय सेना को पहुंच मिलेगी अगर ये सुरंग पूरी हो जाती है। पूछा जा सकता है कि सैला दर्रा किस राज्य में है? खबरों में रहा सैला दर्रा किस राज्य में है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। तो एक तो आप सैला दर्रा याद रखेंगे, दूसरा आपको याद रखना है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा भी कहाँ पर है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा आपको याद रखना है यांगपा दर्रा। यांगपा दर्रा ये भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। एक महत्वपूर्ण है बोमडीला। बोमडीला जो दर्रा है ये भी कहाँ पर है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में आता है ना। अरुणाचल प्रदेश से और आपको क्या याद रखना है? तो नामदफा नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही प्रवेश करती है इसे किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे देहांग के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता है, जब ये भारत में प्रवेश करती है इसे देहांग कहा जाता है। और ये कहाँ से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये किसके साथ लगती है फ्रेंड्स? तो एक तो चाइना के साथ लगती है और दूसरा याद रखेंगे म्यांमार के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? चाइना और म्यांमार। इसके अलावा आपको याद रखना है भूटान। भूटान के साथ भी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश। सेकंड मैप में यहाँ आप देख पा रहे होंगे सैला पास के पास ये जो सुरंग बनाई जा रही है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि खबरों में रहा ताल छापर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स जो ताल छापर अभ्यारण्य है ये राजस्थान राज्य में है। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में ये स्थित है। अब ये सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में राजस्थान राज्य द्वारा प्रसिद्ध ताल छापर, फ्रेंड्स याद रखेंगे जो ये ताल छापर अभ्यारण्य है राजस्थान राज्य में, ये कृष्ण मृग के लिए काफी प्रसिद्ध है ना। तो यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन के आकार को कम करने के प्रस्ताव के विरुद्ध उक्त अभ्यारण्य को संरक्षण प्राप्त हुआ है, इसलिए ये सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बस इतना याद रखना है ये किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में आता है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो कृष्ण मृग के लिए ये काफी प्रसिद्ध है। ताल छापर की बात की जाए फ्रेंड्स तो ये थार रेगिस्तान की सीमा पर है। ताल छापर याद रखेंगे, ताल छापर भारत में देखे जाने वाले सबसे सुंदर एंटीलोप द ब्लैक बक का एक विशिष्ट आश्रय स्थल है और 1966 में इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। आगे डिस्कस करेंगे कुछ लेटेस्ट करेंट अफेयर, जैसे कि आमतौर पर यूरोपीय घास के मैदानों में पाए जाने वाली मनी स्पाइडर को देश में पहली बार किस अभयारण्य में देखा गया था? तो फ्रेंड्स इसे वायनाड वन्य जीव अभयारण्य में देखा गया था। और ये किस राज्य में आता है? तो ये केरल में है। कहाँ पर है? केरल। बेम्बू डेबलिंग बैट की एक नई प्रजाति की खोज किस अभयारण्य में की गई थी? नोग खिल्लम वन्य जीव अभयारण्य। नोग खिल्लम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये मेघालय राज्य में है, याद रखेंगे आप सभी।
बोरी, राला मंडल, नोरा देही, रातापानी, गंगू और करहरा जो अभयारण्य है ये किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में है। ये सभी जो अभयारण्य है ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि थौलवाना वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? थौलवाना वन्य जीव अभयारण्य ये किस राज्य में है? आंसर करेंगे आप सभी कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला खनिज फाउंडेशन योजना के तहत भारत का सबसे अधिक वित्त प्राप्त करने वाला जिला कौन सा बना है? तो फ्रेंड जिला खनिज फाउंडेशन के तहत सर्वाधिक वित्त प्राप्त करने वाला जो जिला बना है क्योंझर बना है। अब ये कहाँ पर आता है फ्रेंड्स? तो ये उड़ीसा में आता है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंझर किस लिए प्रसिद्ध है तो याद रखेंगे लोह अयस्क के लिए ये काफी प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोह अयस्क के लिए ये स्थान काफी प्रसिद्ध है। अन्य ऑप्शंस की बात की जाए तो जैसे कि सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ पर आता है? तो ये मध्य प्रदेश में आता है। झरिया कहाँ पर है? तो झरिया है झारखंड में। खेतड़ी पूछे तो तावे के लिए ये काफी प्रसिद्ध है और ये राजस्थान राज्य में आता है, है ना। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के खानों के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली भी कोयले के लिए काफी प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश में आता है। आगे डिस्कस कर लेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के नाम, जैसे कि रानीगंज। फ्रेंड्स याद रखेंगे भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है और ये पश्चिम बंगाल में आता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। झरिया, बोकेरो, धनबाद ये तीनों कहाँ पर हैं? तो ये झारखंड में है फ्रेंड्स, है ना। सिंगरौली और सुहागपुर ये भी कोयले के लिए काफी प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश में आते हैं। तालचेर, हिमगिरी और रामपुर ये उड़ीसा में है और ये भी कोयले के लिए काफी प्रसिद्ध स्थान है। कंटापल्ली, सिंगरैनी ये दोनों कहाँ पर आते हैं? तो ये दोनों आंध्र प्रदेश में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने संसद में बाजरा खाद्य उत्सव का आयोजन किया है? तो फ्रेंड्स संसद में बाजरा खाद्य जो उत्सव मनाया गया है ये कृषि मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे आप सभी, कृषि मंत्रालय ने संसद में इस उत्सव का आयोजन किया है, है ना। आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन में रोम इटली में बाजरा के अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। देखिए संयुक्त राष्ट्र अगर आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है रोम इटली में इसका उद्घाटन किया गया था। मोटे अनाजों या पोषक अनाज किसे कहा जाता है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। मोटे अनाज या पोषक अनाज कहा जाता है बाजरा, मक्का, जौ, फिंगर, बाजरा और अन्य कुटकी, जैसे कि कोदो भी इसमें आ जाएगा, फॉक्सटेल, प्रोसो और बार्नयार्ड भी इसमें आ जाएगा। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये कैसा अनाज है, तो याद रखेंगे मोटा अनाज है। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है? जो आधार कार्ड है ये सभी योजनाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे तमिलनाडु सरकार ने इसे अपनी सभी योजनाओं के लिए क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है आधार कार्ड को। डिस्कस कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो देखिए तमिलनाडु राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। भरतनाट्यम जो कि भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है और ये कहाँ का है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु का है। तमिलनाडु केले और फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। आम, रबर और मूंगफली, नारियल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कॉफी का तमिलनाडु तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, है ना। यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो रविंद्र नारायण रवि हैं। मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। तमिलनाडु विधानसभा की सीटें 235 हैं वर्तमान में। राज्यसभा सीटें 18 हैं और लोकसभा सीटें यहाँ पर 39 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के माध्यम से इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये किस कंपनी के सहयोग से लॉन्च किया गया है? बजाज आलियांस के सहयोग से, याद रखेंगे आप सभी। आगे डिस्कस करेंगे कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड जिसका नाम है इंडिपेंडेंस, ये जो ब्रांड है ना ये किसने लॉन्च किया है?
तो फ्रेंड्स इस ब्रांड को लॉन्च किया गया है रिलायंस कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा पूछा जा सकता है कि इंडिपेंडेंस ब्रांड जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया था इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया था, तो रिलायंस के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के अनुसार 2030 कितने प्रतिशत ग्रह को संरक्षित करने की मांग की गई है, तो फ्रेंड्स 2030 तक 30% कितने 30% ग्रह को संरक्षित करने की मांग की गई है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने एक प्राकृतिक सौदे में हाल ही में 2030 तक ग्रह के कम 30% हिस्से का संरक्षण करने की मांग की है। फ्रेंड्स वर्तमान में केवल 17% स्थलीय है जबकि 10% समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने मांग की है 30% की, है ना। तो देखिए इस प्रस्ताव में अमीर देशों को अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए 2025 तक विकासशील देशों को वित्तीय सहायता बढ़ाकर 2025 तक सालाना कितनी करनी होगी $20 अरब तथा 2030 तक इसे करना होगा $30 अरब प्रतिवर्ष करने का आह्वान किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु बंधु किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख योजना है, तो फ्रेंड्स ये जो योजना है ना ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अब ये योजना जो सुर्खियों में बनी हुई है तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखिए सरकार ने इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए ₹10,000 प्रति एकड़ की दर से फसल निवेश की पेशकश करती है यह योजना। फ्रेंड्स राज्य सरकार इस साल संक्रांति फेस्टिवल से पहले किसानों के बैंक खाते में ₹7,600 करोड़ जमा करेगी, इसलिए यह योजना सुर्खियों में। आपको तो याद रखना है कि इस योजना का संबंध किस राज्य से है, तो तेलंगाना से है। फ्रेंड्स क्लास के शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इसका सही आंसर है ऑप्शन सी INS भागीर यानी कि भारतीय नौसेना इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी, इसका नाम है बागीर। फ्रेंड्स फ्रांस की एक कंपनी की सहायता से 6 स्कॉर्पिन पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है जिसमें से 5 भी है बागीर जो कि भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है, ये आपको याद रखना है। किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत इन 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। हनुक को किस समूह या समुदाय द्वारा प्रति वर्ष मनाया जाने वाला एक उत्सव है, यहूदियों द्वारा यह मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अर्बन 20 सम्मेलन के लोगों का अनावरण किया है, तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गतिशक्ति विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बन गए हैं अश्वनी वैष्णव। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है, तो जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। FIH नेशन कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसे हरा कर यह खिताब जीत लिया है, तो भारत ने स्पेन को हरा कर यह खिताब जीता है। कौन सी कंपनी FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार बनी है, तो टाटा स्टील बन गई है। किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का जो खिताब है ये जीत लिया है, तो अर्जेंटीना ने जीता है। किसे हराकर, फ्रांस को हराकर। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का जो उद्घाटन है ये किस शहर में हुआ है, तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो जो गृह प्रवेश कार्यक्रम है ये पीएम मोदी जी द्वारा अगरतला यानी कि त्रिपुरा में किया गया। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का जो अवार्ड है ये किसे मिला है, तो ये मिला है मेसी को। इनमें से कौन सा देश सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश बनेगा, तो पहला देश बनेगा हमारा प्यारा भारत। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर, अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व। लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। विद्युत चालक का सबसे अच्छा चालक है चांदी।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? आर्टिकल 3 में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील आती है मणिपुर में। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? हरित लवक। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं? तो ये पंचायत शैली में बनाए गए हैं। किस देश में स्थित जावा द्वीप को देश का हृदय स्थल भी कहा जाता है? तो जावा कहाँ पर है? तो ये इंडोनेशिया में आता है। कल के क्लास में आपसे जो सवाल पूछे गए थे इनके आंसर देखेंगे कि देखिए, तेल और प्राकृतिक गैस निगम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसके नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार सिंह। किस देश ने V-21 नाम का अपना नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। मलेरिया की दवा कुनिन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? सिनकोना से। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियां। तो फ्रेंड्स, अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का जो उद्घाटन है ये किस राज्य में किया गया है? महिलाओं के हस्ताक्षर वाला जो बैंक नोट है ये किसने छापा है? अगला सवाल है कि भारतीय अनूप मृग यानी कि बारह सिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है, के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? बारह सिंगा के लिए कौन सा नेशनल पार्क या वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। देखिए, 6 महीने का जो करंट अफेयर है यानी कि जून 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक का ये करंट अफेयर हो चुका है फ्रेंड्स। साथ ही में 3 महीने का करंट अफेयर जो कि आपका अक्टूबर 2022 से लेकर दिसंबर 20 दिसंबर 2022 तक का है। तो आगामी जो भी आपकी परीक्षा है उन सभी के लिए ये दोनों क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही चैनल पर है, आप देख सकते हैं। वीडियो यानी कि इस क्लास के लास्ट में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी जहां से आप इन क्लासेस को भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।